मेरे अजीज दोस्तों, काफी वक्त हुआ है हमें रूबरू हुए। आखिरकार लंदन के जाने माने रईस लौट आए हैं और बदलाव की हवा तो चल पड़ी है। साथ ही लौट आई है आपकी अपनी लेखिका। मुझे अपना घर छोड़ना ही होगा, मुझे शादी करनी होगी। उसके लिए आपके मन में कोई शख्स है क्या? वो हमारा भाई है। कॉलिन भाई, तो ये बताओ इस बार किस देश के पानी ने तुम्हें इतना हट्टा कट्टा बना दिया? बेन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सच में? कोई बात है क्या? तुम चाहो ना चाहो, सबकी नजर में आना हर ब्रिजर्टन की किस्मत में है। कुछ बदकिस्मत है जो किसी को नहीं दिखते। तुम्हें एक पति ही चाहिए तो मैं मदद करता हूँ। दोस्ती का हाथ है। मंजूर है। क्यों ना तुम पहले मुझे अपना हुनर दिखाओ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मौसम कितना मजेदार है ना? मतलब मुझसे तंग होकर भागना चाहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऐसी बातें मत करो, तुम पेनेलोपी फेदरिंगटन हो, याद है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है? नहीं, मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ। तुम्हें कब से पेनेलोपी की फिक्र होने लगी? ये लेखिका तो बस इतना ही जानती है कि इस दुनिया में सिर्फ हीरे ही नहीं जो चमकते हैं। लॉर्ड डेपली शादी करने का मन बना चुके हैं। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मिस फेदरिंगटन। मेरी बच्ची, मुझे तुम पर बहुत नाज है। पेनेलोपी, और क्या चाहिए तुम्हें? आप हमेशा कहा करती थी प्यार का पहला कदम दोस्ती है। तुम्हें सिर्फ दिल की सुननी चाहिए। हम जिंदगी में कौन सी राह चुनेंगे ये फैसला कौन करता है? पेनेलोपी, हमारा दिमाग या हमारा दिल?